हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी बेसिक टेक्निक्स जिससे आपकी ड्राइंग बहुत ही इम्प्रूव करने वाली है। तो अगर ये बेसिक टेक्निक्स आपको परफेक्टली आते हैं तो आप से बढ़कर आर्टिस्ट कोई भी नहीं। तो आज शुरू करते हैं अपने वीडियो को, बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाला है, प्लीज़ एंड तक देखिएगा। आपको मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी देने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट जाने वाला है, तो आप एंड तक देखिएगा। तो हाउ टू लर्न ड्राइंग, पहले आप एक आर्टिस्ट बनने के लिए एक फॉर्मेट होती है, एक मीडियम टू मीडियम, बहुत सारे मीडियम्स होते हैं ड्राइंग पर मैं ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने की सजेशन देती हूँ कि फर्स्ट आप फ्री हैंड ड्राइंग सीखिएगा, फिर से ड्राइंग, फिर से स्केचिंग सीखेगा, फिर से वाटर कलर, एक्रेलिक, एंड देन यू गो टू दी ऑयल पेंटिंग। पहले ही वाटर कलर्स पे जंप हो गए अगर आप डायरेक्टली, इफ़ यू आर मूविंग टू दी एक्रेलिक, आपको उतनी अच्छी रिजल्ट्स नहीं मिलेगी आपकी ड्राइंग में। अगर आप अच्छी तरह से और मस्त प्रोफेशनल ड्राइंग करना चाहते हो, ये प्रोसेस में आप सीखे तो आपके मीडियम्स, तो आपकी ड्राइंग बहुत इम्प्रूव होगी, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। मैं आज बताने वाली हूँ दो चीज़ें जो कि सब मीडियम में यूज़ किया जाता है, एक तो है आउटलाइन और एक सेकेंड वन है फ्री हैंड ड्राइंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आउटलाइन ड्राइंग सीखने के लिए आपको बहुत सारे टेक्निक्स मिल जाएंगे, जैसे कि ग्रिड ड्राइंग, पोर्ट्रेट, और बहुत सारे टेक्निक्स मिल जाएंगे आपको, मैं नीचे लिस्ट देने वाली हूँ। पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि स्टार्टिंग में आपको बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली है, क्योंकि आउटलाइन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है सब ड्राइंग्स में। कौन से भी मीडियम ले लो, आपकी आउटलाइन बहुत परफेक्ट होना ज़रूरी होता है। तो ये एक मेन और मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेसिक्स सीखने से पहले आप डायरेक्टली पोर्ट्रेट्स में या प्रोफेशनल ड्राइंग्स में मत जाइएगा, ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है सब आर्टिस्ट का जो बिगिनर्स है। बेसिक मेथड्स फॉर लर्निंग स्केचिंग, तो तीन ही चीज़ें, शेडिंग, ब्लेंडिंग एंड स्टिल लाइफ ड्राइंग, ये तीन चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, सब वीक्स में या मंथली एक बार तो भी प्रैक्टिस करने के लिए रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट तीन चीज़ें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट खड़ा कर देती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, राइट। बेसिक मेथड्स फॉर लर्निंग कलर पेंसिल्स, एक है कलर थियरी और ब्लेंडिंग। अगर आप स्केचिंग में ही ब्लेंडिंग आप सीख लो, आपको कलरिंग में और आसानी हो जाएगी। तो मैं कलर थियरी मैं बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियोस पर। बेसिक मेथड्स फॉर लर्निंग वाटर कलर्स, तो पहले तो इसमें होता है लाइट टू डार्क शेडिंग, ब्लेंडिंग, यही सेम होता है ब्लेंडिंग। तो अगर आप स्केचिंग में सीख लो तो आपको कलरिंग भी आ जाएगी, वाटर कलर्स भी आ जाएगा। बहुत ईजी होता है, पर आपको प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कलर थियरी और कलर मिक्सिंग, ये बहुत तीन चीज़ें होते हैं इसमें कलर्स में। तो आप कलर थियरी मेन एस्पेशली फॉर कलर्स, तो आपको कलर थियरी की नॉलेज होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको सीखना है कलर थियरी, प्लीज़ कमेंट डाउन। मैं अगर बहुत सारे कमेंट्स आए कि कलर थियरी चाहिए, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न दिस मेथड्स, प्लीज़ कमेंट डाउन। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ड्राइंग फॉर्मूला, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप देख रही हो ये वीडियो पूरी एंड तक, तो आप तो ज़रूर बिगिनर होंगे। तो आप ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सबको ये सीखने के लिए। थोड़े टिप्स भी देने वाली हूँ, थोड़े बेसिक्स की बताने वाली हूँ, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।